हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले 3 दिन से बाजार दर्शन पढ़ रहे हैं, तो कल हमने बाजार दर्शन भाग 3 पढ़ा, जिसमें मुख्य रूप से लेखक ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल पर आपको मन को बंद नहीं करना है। ठीक है, अगर मन बंद हो गया तो मतलब हम क्या हो गए, पूर्ण हो गए। अगर हम अपूर्ण हैं, इसीलिए हम क्या हैं, इंसान हैं, मनुष्य हैं। परमात्मा को सिर्फ अधिकार होता है पूर्णता के लिए। ठीक है, अगर हमारा मन बंद होगा तो हम शून्य हो जाएंगे, हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इच्छाएं कभी भी हमें अपने अंदर से समाप्त नहीं करनी चाहिए, उसको हमेशा कायम रखना चाहिए, ताकि हम इच्छाओं के अनुसार अपने सपनों को साकार कर सकें। तो यहाँ लेखक ने यही कहा है कि परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते, अपूर्ण हैं इसी से हम, अर्थात अपूर्ण हैं इसीलिए हम इंसान हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। हम अपूर्ण होंगे तभी तो हम ज्ञान अर्जन के लिए ललायित होंगे, हम कहेंगे कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, क्योंकि हम अपूर्ण। जब हम अपने आप को पूर्ण मान लेंगे तो हम ज्ञान अर्जित ही नहीं करेंगे। ठीक है, सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। कर्म योगी वही है, सच्चा इंसान वही है, जब वो हमेशा अपने आप को अपूर्ण समझे, मैंने और ज्ञान अर्जित करना है, और ज्ञान अर्जित करना है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को ना रोकने को ना कहे, जबरदस्ती मन को मत रोको। ठीक है, मन को जबरदस्ती रोकने की जरूरत नहीं है, मन को इतना दृढ़ और मजबूत बनाओ कि वह किसी भी सूरत हाल पर क्या डिगे ना। ठीक है ना, नियंत्रित रखो। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप से में हमें नहीं प्राप्त हुए। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को ना हो, मन को ये छूट नहीं देनी चाहिए कि जो उसके मन में आए वो करे, बिल्कुल भी नहीं। वो नियंत्रण अति आवश्यक है, अंकुश अति आवश्यक है। मन तो हमारा करता है कि हम रोज घूमने फिरने जाएं, मन तो हमारा रोज करता है कि हम ये भी लें वो भी लें, पर मनमानापन नहीं होना चाहिए। हमने अपने आप को अंकुश रोक लगानी है कि इतना करना है और इतना नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। मतलब हमारा, हम जो है, हम इंसान जो है वो समाज के ही अंग है। अकेला हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी है, मैं समाज में ही रहेगा वो। हम समाज के अनुसार, ठीक है, हमें ये नहीं करना कि समाज से भयभीत होकर अपने मन को ही दबा लेना, लेखक ये नहीं कह रहा है, क्योंकि हम समाज के अंग है तो हमें समाज के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो आइए अब इसी भाग 3 को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ एक चूरन वाले का बहुत बेहतरीन उदाहरण देकर इसका स्पष्टीकरण किया है। पड़ोस में एक महानुभव रहते थे जिनको लोग भगत जी कहते, चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने वर्ष हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है, वह खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय अगर बिजनेस का गुड़ पकड़ लेते तो उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते, क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह ना उसे थोक देते हैं, थोक मतलब होलसेल में, ठीक है, ना व्यापारियों को बेचते हैं, पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। पेशगी होता है ना कि आप पहले अमाउंट आप थोड़ा सा ले लेते हो और फिर उसके बाद सामान देते हो, वो भी नहीं किसी से लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी देकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक रहते, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना, अच्छी भावना, ठीक का दय देने को उत्सुक रहते थे। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें कोई 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। मतलब कोई भी बीमारी या कुछ भी नहीं, कभी भी उन्होंने नहीं देखा। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है
कि इन चूरन वाले भगत जी के पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे रेखांकित कीजिए। कहीं आप भूल करना बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। लेखक कहते कहीं ये मत गलती कर लीजिएगा कि मैं चूरन वाले को परिचित हूँ या मैं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख में किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी के अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, मतलब वो पढ़ा लिखा है भी या नहीं, ये भी नहीं मुझे मालूम। ठीक है, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते, कितनी पोथी पढ़ लेते हैं। समय आ गई ना, पढ़ पढ़ पोथी जुग भया पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम अगर पोथी पढ़ेंगे तभी ज्ञानी होंगे। ठीक है ना, कई ऐसे होते हैं जिन्होंने पोथियां नहीं पढ़ी होती पर ज्ञानी बहुत ज्यादा होते हैं। हमसे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, बिल्कुल नाचीज हो, बिल्कुल हल्का हो, कमजोर हो, हम कुछ उसकी अहमियत ही ना समझे। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त हो। क्या है? संयमी, धैर्य, संयम। जो धैर्य उस चूरन वाले में है वो हम में नहीं है। वो कहते हैं कि हम जैसे जो पाठक श्रेणी के पढ़े लिखे विद्वान श्रेणी के वो शायद हम में नहीं है। वो क्या है, उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उनका मन अडिग रहता है, बिल्कुल किसी सूरते हाल पर वो इधर उधर नहीं भटकता। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया ही नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व से बिलकता ही छोड़ देता है। वो बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पैसे, ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ना हो जाती होगी, शर्मा ना जाती होगी? समझ में आ गई कि मने वो चीत्कार करता है कि तुम मुझे ले लो, परंतु वो मजाल है। पैसे की व्यंग शक्ति को उसकी सुनिए, वह दारुण है, दुख, दारुण अर्थात दुख है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास की धूल उड़ाती निकल गई मोटर, वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौनती है कठिन व्यंग की लीक के आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ, हाय यही मेरे माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मैं मुझे अपने सगों के प्रतिकृत धन कर सकती है। होता है या नहीं कि आपके पास अगर वो चीज नहीं होती तो आप कहते काश मेरे पास भी होती, मुझे यहीं जन्म लेना था। तो देखिए वो चीज आपके अंदर क्या जगा देती है, आपके मन को भटका देती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचितकार मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाएगी? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी। पर मजाल है कि ऐसी भावना उस चूरन वाले के पास होती हो। उस बल का ना तो वह क्या बल है जो इसे तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग को क्रूरता से ही पिघला देता। मैंने ऐसी कौन सी शक्ति है उस चूरन वाले के सामने, उस चूरन वाले के पास जो उसको पिघला देता है? उस बल का नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ यहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। मैंने ये इस जो संसार के लोग जो हैं, जो धन और वैभव को सोचते हैं कि उसी से ही हमारा रुतबा है, उसी से ही हमारा सम्मान है, वो तो नहीं हो सकता। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, माने वो हमसे ऊपर है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, स्पिरिचुअल आत्मिक धार्मिक नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं इन शब्दों में अंतर देखूं पर प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति, जहां प्यास है, जहां तृष्णा है, कामना है, लालसा है,
बटोर रखने की स्प्रिया है, दौड़ होती है, जहां तृष्णा है, कामना है, वहां हमें हम प्रतिस्पर्धा होती है कि हम ये भी कॉम्पिटिशन हम होता है, हम ये भी बटोरे, हम ये भी बटोरे, वहां उस बल का बीज नहीं है। जहां जिसके मन में ये भावना है उसके अंदर तो ये बीज होगा ही नहीं कि वो उसको बाजार प्रभावित ही ना करे, बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह व्यक्ति को निर्बलता की ही प्रमाणित होती है, निर्बल ही धन की ओर झुकता है। महत्वपूर्ण पंक्ति, वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की ओर और चेतन पर जड़ की विजय है। मनुष्य पर धन की और चेतन, चेतन मतलब जो जीवित है, समझ आ गई, जिसमें जो सजीव है, और जड़ मतलब होता निर्जीव, जिसमें कोई जान नहीं है, समय आ गई, सजीव पर निर्जीव की विजय है, समय आ गई। तो जिसने, जिसके अंदर ये ताकत है, जिसके अंदर ये शक्ति है, वो कभी भी धन और वैभव को क्या श्रेष्ठ नहीं मानेगा, वो जिसमें उसको संतोष मिले वह उसको ही श्रेष्ठ मानेगा। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।